और गांधी ने नेहरू से कहा कि देखो नेहरू, अगर हम यूनियन जैक को उतारेंगे तो माउंट बैटन को बड़ा दुख होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम तिरंगे के साइड में छोटा सा यूनियन जैक बना दें? पाकिस्तान में जब यूनियन जैक को उतारने की बात हुई तो उनका कोई सेरेमनी नहीं होगी। यूनियन जैक को उतारा, पैरों के नीचे रौंदा, उसमें आग लगाई, तब उन्होंने अपना झंडा ऊपर चढ़ाया। कम से कम वो गलत है, बुरे हैं, कम से कम अपने ईगो पे तो जीते। हमने तिरंगा बहुत देर तक बड़े दुखी हुए मनाया, तब जाके तिरंगा। गांधी जी का तो प्रपोजल था कि यूनियन जैक छोटा सा उस पर बन जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। हम वहां से चले हैं सर, इसलिए आपको लगता है कि जल्दी काम नहीं कर रहा है। बहुत गहरी जड़ें। 28 को किया तो बवाल, जो सोने का शंगोल था वो उनकी छड़ी थी, तो नेहरू जी की छड़ी के नाम से रखा हुआ था वो शंगोल था, उसने वो भी स्थापित कर दिया। उसी के अंदर एक बड़ी चट्टान पर अखंड भारत का नक्शा बना हुआ है। बहुत लोगों को डर यह है कि ये पत्थर पे तो अंकित किया है लेकिन एजेंडा इसका यही है। इसलिए व्यवस्था में रहते हुए मोहल्ले और सड़क की गलियों की तरह से नहीं लड़ा जाता, पहले डराया जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये समाज के लोगों ने, मैंने कहा थे महेश्वरी समाज के बैनर के तले आए थे और इसमें महेश्वरी समाज के भी लोग होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर समाज के लोग आए थे और सबने बड़े धैर्य के साथ सुना और मैंने अपनी पूरी बात रखी। और क्या क्या सामने आपके चीज़ें आने वाली हैं जिससे आपको अवेयर रहना चाहिए, मैंने उन मुद्दों को रखा कि आखिर इस देश में 20 राज्यों में राष्ट्रवादी सरकार, केंद्र में राष्ट्रवादी सरकार, तब भी 2014 से दिसंबर 2022 तक 477 हिंदू बेटे बेटियों की मुसलमानों द्वारा मॉब लिंचिंग हुई है, लेकिन कोई इस पर नहीं बोल रहा है। ठेकेदारों को अपनी दुकान चलानी है तो वो कह रहे हैं कि मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है, वो कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। अभी अभी उनका एक बयान आया है कि जो उच्च जाति के लोग हैं उन्होंने 2000 साल तक नीचे के लोगों पे, छोटी जातियों पे, दलितों पे इतना अत्याचार किया है जिसके लिए अगले 100 साल तक रिजर्वेशन जरूरी है। तो ये ज्ञान सबको क्यों अभी प्राप्त हो रहा है, क्या इससे पहले नहीं प्राप्त हो रहा था? क्या कुछ लोग मोदी को कमज़ोर करना चाहते हैं? क्या मोदी को अंदर से खोखला करना चाहते हैं? जो आपने कर्नाटक में किया वो भी ताकतें सक्रिय हैं और मोदी के जो खुले दुश्मन हैं वो भी हैं। तो मुझे मोदी से ज़्यादा इस बात की चिंता है कि अगर इस देश में स्टेबल सरकारें नहीं आएंगी, जो पहले आएंगी, तो इसी तरीके के कानून जिनकी हम चिंता कर रहे हैं वही बनेंगे। जैसे आप अभी बात की है बांग्लादेशी को, अभी सूरत में एक कटोरिया पहले 4 दिन पकड़ा है उसमें आप मैं उसमें क्या कहूँ, देश में रोज पकड़े जाते हैं तो मैं क्या कर सकता, मैं क्या उस पर कमेंट पकड़े नहीं, मैं कह रहा हूँ उससे क्या, उसमें मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? 4 पकड़े, 5 पकड़े, तो आपको 5 करोड़ में से 4 ही आप पकड़ पाए, तो फिर कर क्या रहे हैं आप? हैं, इसके लिए तो आपको विदेश से कहीं मदद नहीं लेनी है ना। तो इसका मतलब है कि भारत की व्यवस्था में वो चोर और दलाल बैठे हुए हैं जो इनको पैसा लेके छोड़ते हैं, इनका पैसा लेके आधार कार्ड बनाते हैं। आधार कार्ड किसने बनाया इनका? वो तो किसी ने बनाया होगा ना। तो सवाल अपने गलेवान में झांकिए ना कि हो क्या रहा है। 4 पकड़ लिए, 2 पकड़ लिए, उससे समस्या सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सर। जी सर। जी सर, आपका नाम और आज क्या फंक्शन सभा? आज का प्रोग्राम विचार और प्रखर प्रवक्ता श्री कृष्णदेव जी कंशेष का प्रोग्राम थी। राष्ट्र की चुनौतियाँ सुनता है जो संजीव कुमार ऑटोनोजन पार्क के ऊपर आयोजित किया गया, इसके अंदर करीब 900 से 1000 आदमियों ने उनके विचार सुने। उन्होंने जो अपनी प्रखर वाणी से जो श्रोताओं को संबोधित किया, उसके लिए श्रोताओं में उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने राष्ट्र की चुनौतियों के साथ साथ आर्थिक चुनौतियों के बारे में बोला। जो आज सनातन धर्म है, जो आदि अनादिकाल से चला आ रहा है, उसको समाप्त करने के लिए जो आज की बात की जा रही है, उसके बारे में उन्होंने सूरतवासियों को
जागृत किया। श्री पुष्पेंद्र जी का ये चौथा प्रोग्राम था, उसके पहले भी वो 3 बार प्रोग्राम यहाँ देख चुके हैं और बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। और ये श्री महर्षि समाज और श्री रामकृष्ण सेवा समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इसके अंदर सभी पत्रकार भाइयों का जो इसको कवरेज करने के लिए आए, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो श्रोता आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।